लड़कियों, अगर कोई मर्द आपको छोड़ दे तो दुखी होने के बजाय खुश हो जाया करें, क्योंकि अगर वो वाकई मर्द होता तो कभी न छोड़ता। दोनों एक दूसरे पर मरते रहे, कोई अल्लाह को प्यारा न हुआ। रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं, मगर अपना रिश्ता इतना पाक रखो कि कल को अपनी बातें याद करके शर्मिंदगी न हो। इंसानों पर भरोसा कर भी लिया जाए तो वक्त और हालात पर नहीं किया जा सकता। वक्त और हालात वो चीज़ हैं जो हर जज्बा, हर रिश्ता बदल देते हैं। तकलीफ और परेशानी का मतलब ये नहीं है कि खुदा आपसे नाराज है। जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आजी सुन सके। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म मानी चाहिए। अंधेरे अब नहीं डसते, उजाले वार करते हैं। वो दुश्मन भी नहीं करते जो अब यार करते। औरत की तारीफ मत करो, एक काम करो, कभी बेवफाई नहीं करेगी। औरत की तारीफ से ज्यादा इसका एहसास करो, इसकी इज्जत करो, क्योंकि एहसास एक ऐसी चीज है जिसमें आपको गैरों का दुख भी अपना लगता है। वो परेशानी जो अल्लाह की तरफ रुजू करा दे, वो अल्लाह की रहमत होती है। बारगाहे रब्बुल इज्जत में दुआ गो हो, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से मालामाल करे, रिज्क में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखी। आमीन।